दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं भगवान विष्णु की सबसे प्रिया नागरी वृंदावन, जहां पर माता यमुना का हाव सदैव बेहतर रहता है और निधिवन जैसे दिव्यास्थल यहां आज भी मौजूद है। प्रेम की जब भी कभी बात आती है तो पूरे विश्व में यह स्थल प्रसिद्ध है। प्रेम मंदिर हो या गोवर्धन जैसे आदित्य स्तंभ, यहाँ की मनमोहाकृतियाँ सबको मनमोहित कर देती है। तो चलिए देखते हैं आज भगवान कृष्णा की बाल लीलाएं और उनके जीवन के अनेकों चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हेलो गाइस, तो हम नहा धो के पूरा कंप्लीट होके तैयार हो चुके हैं जा अपने आकाश भाई, क्योंकि ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप कहाँ चल रहे हैं आकाश भाई? अपने अभी हम मथुरा में हैं और द्वारकाधीश मंदिर देखने जाएंगे और उसके बाद फिर यमुना जी के दर्शन है। द्वारकाधीश जी के मंदिर ये प्रकाश जो कि गेट लगा रहा है, बहुत गरीबी में हमने ये रात काटी है, एक बिना डब्बा के हमने नहाया है। बहुत क्या बताया आपको, द्वारकाधीश जी के मंदिर मिलते हैं आपके मंदिर में। तो दोस्तों, पहला मंदिर हमको देखने को मिलता है द्वारिकाधीश जी का, जो कि है कृष्ण भगवान का। तो ये अंदर से गाइस कुछ ऐसा पीला कलर का, मतलब पूरा और डबल मंजिल है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मतलब डिजाइन है पूरे में और ऊपर देख सकते हैं कि पंखा भी लगे हैं और ऐसा है, मतलब सीढ़ियां बनी है। तो यहाँ से जाने का है रास्ता, तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये कृष्ण और राधा जी की यहाँ पर मंदिर है, मतलब ठीक है। तो मंदिर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए, उसके बाद जाते हैं। भाई अभी बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ यमुना जी के घाट पर बैठने के, सोच रहे हैं कि बोट में जाए, मतलब इसमें नाव में जाए घूमने के लिए। बहुत बड़ा घाट है ये, 4-5 घंटे, लेकिन बोल रहा है ये 150 रुपये एक पर व्यक्ति के लेंगे। तो वही इसका चल रहा है, ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा घाट है ऐसा। ये डिस्कस चल रहा है अभी, कैसा जाना है, कितना नहीं जाना है ये वो। अभी हम लोग तैयार हैं यमुना जी की यात्रा के लिए। आप बताओ, ये धीरेन्द्र सकते। तो दोस्तों, अभी यमुना मैया का नजारा देख सकते हो, कितनी कल कल पानी बह रहा है और यहाँ से हमको घर भी देखने को मिलते हैं। और नाव का नजारा दोस्तों कुछ ऐसा है, ये भैया नाव चला रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा गहरा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा लंबी है, मतलब नर्मदा मैया। अब दोस्तों आ गए हैं हम वृंदावन की दूसरी सबसे रसमय जगह निधिवन। यहाँ कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियाँ आज भी तुलसी के पेड़े के रूप में यहाँ मौजूद है। निधिवन के अलावा हमको यहाँ ठाकुर जी का बहुत पुराना मंदिर भी देखने को मिलता है। तो हम इनके भी दर्शन करते हुए निधिवन के अंदर जाते हैं। यहाँ झुके हुए पेड़ देखने को मिलते हैं जो कि कई साल पुराने हैं। गाइस, केस घाट जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी गाइस बहुत ज्यादा पिक्चरों की शूटिंग होती है। और नर्मदा मैया का हमको बहुत ज्यादा विकराल रूप यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आपकी सबसे प्रसिद्ध जगह जो कि है यहाँ का प्रेम मंदिर, जो सेफ्ट संगमरमर की पठार से बना हुआ है और सब जगह से यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। यह प्रेम का एक अद्भुत प्रतीक है।
आरती के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर की और चीजें देखने, जो कि कृष्ण भगवान यशोदा मैया, आप देख सकते हैं कि मतलब कृष्ण भगवान माखन की मटकी फोड़ रहे हैं और नीचे गए उनके दोस्त लोग बैठे हुए हैं और माखन खा रहे हैं, और ये कृष्ण भगवान को यशोदा मैया पकड़ रही हैं और मतलब मशीन टाइप की लगी हुई जिसमें तो दोस्तों वृंदावन का एक और मंदिर है ये, और बहुत बड़ा है, मतलब इसके अंदर हम आपको घुमा देते हैं, फिर इसके बाद जाना आंगी की तरफ। तो अभी तो वैसे इसी मंदिर में हम घूम रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची दीवारें हैं इसकी भी, आप देख सकते हैं, और वाइट कलर का मतलब गेट है, ठीक है। तो अब गेट के पास चलते हैं हम, ये देखो ऐसी कुछ लोकेशन है, और ये है इतना बड़ा गेट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है गाइस ये गेट, ठीक है। तो अंदर हम जब जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ है, मतलब ये जालियों के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिमाएं बनी हुई हैं, ये नाग महाराज की, और ये देखो मतलब कृष्ण भगवान और राधा जी की भी यहाँ पर है मूर्ति, और बहुत सी चीज़ें रखी, हाथी रखा है ये बिल्कुल पूरा। दोस्तों अब अपन आए हैं नंदगांव, नंदगांव की सीढ़ियाँ चल रहे हैं, इसके बाद अपन चल रहे हैं बरसाना, बरसाना के बाद जाएंगे अपन गोवर्धन पर्वत ओम प्रकाश। नंदगांव का नज़ारा ऊपर से गाइस कुछ ऐसा है, मतलब घर ही घर दिख रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ की गलियाँ भी गाइस बहुत ज़्यादा सकरी हैं, तो ऐसी गलियों में से हमको होके निकलना पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल टूटी फूटी और काम चालू है गाइस यहाँ पर, मतलब ठीक है। तो आगे की तरफ जाते जाते हैं, और नंदगांव का नज़ारा भी बहुत शानदार है, यहाँ पर कृष्ण भगवान रहा करते थे इसलिए इसका नाम गाइस नंदगांव है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान वगैरह बिक रहा है, तो आप लोग चढ़ा सकते हो मतलब कुछ भी लेकर यहाँ से, और यहाँ का सामान गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब कृष्ण भगवान की चीज़ें हैं पूरी ये। Thank you.
चल रखी जल्दी ही।